आज धारणा के लिए मुख्य सार है, समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। थोड़ी की भी थोड़ी रह गई अब, इसलिए जो भी श्वास बची हैं उसको सफल करना है शिव बाबा की याद में। किसको याद करना है? शिव बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करो? एक तो विकर्म विनाश होंगे और अपने साथ ले जाएंगे, बादशाही दे देंगे। चलो बताओ कौन कौन बादशाह बनोगे आप में से? इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करनी है उसको। और सफल बाबा पूरा किसको कहता है? पूरा सफल कौन है? अव्यक्त वाणी में बाबा ने आजकल जवाब दिया उसका। सफलता चाहिए तो क्या करो? बहुत ही सुंदर जवाब बाबा ने दिया। सफलता चाहिए तो अपना तन मन धन सफल करो, अपने श्वास सफल करो, अपने संकल्प सफल करो, अपनी वाणी सफल करो। वाणी सफल कैसे होगी? बोलो। सोच के बोलूं, अच्छा बोलूं, मीठा मीठा बोलूं, बोल के, सोच के। ज्ञान बाबा का मैसेज सबसे बोलूं, ज्यादा सफल तब होगी जब किसी को आप भगवान से जोड़ दोगे। भगवान का मैसेज, मामा कहते हैं जैसे शिव आप बाबा जुड़े का हो परिचय दो सबको। तो सबको बाबा का परिचय देना है। उनके कान में जाके बोलो, इनको एक तेरे को एक बात बताती हूँ, ये गुप्त राज की बात है, ये भगवान आया हुआ है। अच्छा, हाँ सुन ले उसकी बात, फिर बाद में ना कहिए बताया नहीं था। आप ना समझा सको मेरे पास ले आओ। लेकिन सबके कान में डाल दो जबरदस्ती, पर्चे छपवाते हैं सारे CHD में बांट दो, ठीक है? अपने अपने मोहल्ले में सब बांट दो। कोई तो किसी को टच हो सकता है, ना भी टच हो ये तो नहीं कहेगा ना, मैं पता नहीं लगे। सबको भगवान का संदेश, शिव संदेश सबको देना है, बाप की याद में सफल करना है। तन को सफल करो, मन को सफल करो, धन को सफल। माउंट आबू लोग जाते हैं जिन पे धन नहीं है वो तन को सफल करते हैं। आश्रम जाते हैं जहाँ कोई झाड़ू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पोंछा कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, भाई यज्ञ की सेवा है वहाँ। और कोई शब्द नहीं हम यूज करते। अगर आपने घर को भी यज्ञ बना दिया है, ये भी यज्ञ की सेवा है। अपने बच्चों को अपने बच्चे मत समझो, शिव के बच्चे, फिर देखो वो शिव के बच्चे बन जाएंगे। और उनको के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कई बार ना हमारे में भी बहुत कमियां होती हैं तो इसलिए हमारा असर नहीं होता। वही ब्रह्मा बाबा के पास कोई जाता था तो ऐसे बदलते थे, जो पत्थर थे ना वो भी मोम हो जाते थे। वो बताते हमें वहाँ मिला था हिमाचल में भाई, वो कहते एक सरदार जी हमारे साथ गए थे उस वक्त, बहुत पुरानी बात है, तो ना 31 क्वेश्चन लिखे थे भी, मैं जब ब्रह्मा बाबा को मिलूँगा तो ये सारे क्वेश्चन पूछूँ। तो बाबा ने सबको अटेंड किया और उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि बाबा को तो पता कुछ नहीं था भी इसने पूछना है कुछ नहीं, तो उसको थोड़ा महसूस हुआ मेरे को क्यों नहीं पूछा। एक एक से बाबा ने बात की, फिर जब सारे निपट गए बाबा फिर उसके पास चले गए। बच्चे तुझे तो ज़्यादा टाइम चाहिए ना, तुमने प्रश्न पूछने हैं। कहता ना बाबा मैंने कुछ नहीं पूछना। मेरे क्वेश्चन तो हो गए सब। ये होता है महापुरुष, वो कहता नहीं मैंने तो आपको देख लिया बस, मेरा कोई प्रश्न नहीं अंदर इस वक्त। ये महापुरुष होते हैं, उनके सामने जाके लोग प्रश्न भूल जाते हैं। घर से चलेंगे
36 प्रश्न ले गए, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। उनके पास जाओगे लगेगा यार मेरा प्रश्न तो बिल्कुल हल्का सा है, कुछ भी नहीं है, तो फिर मौन हो जाएंगे। इसको कहते हैं ऊर्जा का असर, ऑरा का असर। वायुमंडल में पूरा ऑरा फैला होता है। पता है हमारे ऋषि मुनि जो होते थे जहाँ तपस्या करते थे, वहाँ कोई शेर भी एंटर हो गया ना उस एरिया में, वो कुत्ते जैसा हो जाता था। और ऋषि मुनियों के पास ऐसे बैठे होते थे, वो चाहे कान पकड़ के खींच लें चाहे कुछ कर लें, शेर अपनी दहाड़ नहीं वहाँ मारता था। जैसे ही उस एरिया को पार करता था फिर वही आ जाता था हिंसक वृत्ति। ये असर होता है। आज भी आप शेर बचपन से बच्चा पाल लो, आपके साथ खेलेगा कुत्ते की तरह, उसको भी याद नहीं रहेगा। कितने आजकल टीवी में दिखाते हैं ऐसी चीजें, एक आदमी ने वो सांप भी है मगरमच्छ भी है ना, पूरी एक दंपति है पति पत्नी, उन्होंने सारे तरह के जानवर रखे हुए हैं बताओ, और वो एक दूसरे को भी नहीं मार रहे हैं, सब एक दूसरे के विरोधी हैं वैसे कुदरत में। कितने उसने यहीं सतयुग बना के दिखा दिया, कहते बाद में तो पता नहीं आप लोगों को समझ आवे ना आवे, ये देख लियो आप प्रत्यक्ष में कि हमारे प्यार से कितनी प्यार में शक्ति है। तुम जानवर को बदल सकते हो, इंसान को नहीं बदल सकते। बाप की याद में सब कुछ सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को अब क्लियर करने का टाइम है। कब काटेंगे? सबसे बड़ा पता क्या होता है, ज्ञान में आने का फायदा भी है तो एक नुकसान भी बहुत भारी होता है। वो कौन सा है कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें समझ होते हुए भी हम कई बार गलतियां करते हैं, उसकी सजाएं और भी ज़्यादा है। क्योंकि थानेदार चोरी करे तो ज़्यादा सजा है, अगर थानेदार चोरी करते पकड़ा जाए तो सजा कम होनी चाहिए ज़्यादा। और एक है कि दूसरा है उसको कानून का पता नहीं, एक है जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए। तो इसलिए पुराने जो पाप हैं, बाबा कहते हैं ताजे पाप मत करो, अब नए नए पाप मत करो, अब वो टाइम निकल गया, अब फ्रेश ना क्राइम ना सिन, ना अपराध करो ना पाप करो। फिर है शांति सुधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है, आना अब उसका उत्तर जो हमने शुरू में लिया था। शांति के सुधर्म में स्थित होने के लिए मन से वाणी से कर्म से संबंध संपर्क में भी पवित्र जरूर बनना है, संबंधों में भी पवित्रता होनी चाहिए। समझ भाई, सबसे ज़्यादा गड़बड़ें कहाँ होती हैं? संबंध संपर्क में, वहाँ पे भी जो है बाबा कहते हैं पवित्र जरूर होना चाहिए। जहाँ पवित्रता है वहीं शांति है, जहाँ पवित्रता है वहीं प्रेम है। तो इसलिए क्यों ना हम प्रयास करें कि हम पवित्रता की तरफ जाएं, ताकि शांति भी हमें सच्ची मिले और प्रेम भी सच्चा मिले। मेरा सब धर्म ही शांति है, मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हूँ। ये अनुभव हर वक्त करना है।